इसी प्रकार तो किरण जो आपस होंगे परिवर्तित होंगे, उसको प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, है ना भाई। किसी लेंस पर पड़ेगा, शीशा पर पड़ेगा मान लो प्रकाश, उस पर वापस होगा वहां से, तो उसी को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे दर्पण होता है, जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, ये तुम्हारा दर्पण है, ठीक है। तो एक तरफ पॉलिश किया हुआ है और इसके एक पृष्ठ पर जैसे ये उभरा हुआ भाग नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा अवतल दर्पण कहलाएगा, है ना। तो अवतल दर्पण का परिभाषा तुम याद करोगे कि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है ना, तो इसे अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण इसको तुम लोग देखो, ये प्रकाश को इकट्ठा करता है, जैसे नजदीक लाते हैं तो प्रकाश फैलता है और दूर ले जाएंगे तो प्रकाश इकट्ठा, इसके किरण इकट्ठा होते हैं, है ना। ये इसको तुम लोग देखो, ये अवतल दर्पण कहलाएगा, ठीक। तो अवतल दर्पण का परिभाषा समझ के, ये अवतल हो गया। इसके बाद तुम लोगों को जैसे उत्तल दर्पण, इसी प्रकार परावर्तक, इसका जो परावर्तित जो पृष्ठ है ये उत्तल होगा। तो उत्तल में ये उभरा हुआ भाग है ना, उभरा हुआ भाग में ये शीशा लगा हुआ है ना, देख रहे हो, इसको हम उत्तल दर्पण बोलेंगे,